हरियाणा हिंसा को लेकर सरकार एक्शन में है। हिंसा वाले नूह में आज फिर से बुलडोजर चल रहा है। 31 जुलाई को जहां आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ गाड़ियां जलाई गई थी, उस इलाके में जिला टाउन प्लानर ने अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। करीब 40 दुकानों को गिराया गया है। हरियाणा हिंसा को लेकर अब तक कुल 202 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज वहां बुलडोजर चल रहे हैं, ये आपको जानकारी दे दें। कल भी लगभग 250 झुग्गियों को ध्वस्त किया गया था जो कि अवैध थे। शासन प्रशासन का दावा था कि ये अवैध झुग्गियां और उन पर बुलडोजर चला था और आज भी बुलडोजर की जो धमक है, गरज है, वो सुनने देखने को मिल रही है। परिणाम ये है, जानकारी मिल रही है कि 40 जो अवैध निर्माण थे दुकानें, उनको ध्वस्त कर दिया गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं जो शहीद हसन खान हॉस्पिटल है और ये जो रास्ता है ये सीधे नल्हड़ मंदिर को जाता है। यहाँ से आधे किलोमीटर दूर ही नल्हड़ मंदिर है और 31 जुलाई को यहीं पर ट्रिगर पॉइंट हम कह सकते हैं इस जगह को, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन इस पूरे इलाके में एक्शन में आया है। प्रशासन ने, हमने देखा कि किस तरीके से शुक्रवार को मंदिर के पास तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जो खेतों के अंदर जो गांव बसा था उसको पूरी तरीके से जमींदोज किया गया, अवैध था वो पूरा बताया गया प्रशासन की तरफ से। और अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस पूरे इलाके में आप देखिए एक एक कर सारी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तकरीबन 45 ये दुकानें हैं जिनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये दुकानें अवैध बताई जा रही हैं, आप देखिए एक एक करके, और ये लाइन से ये आगे की तरफ जाएंगे। और देखिए लोगों ने अपना सामान किस तरीके से यहाँ पर निकाला है। जल्दी जल्दी, ये तुम्हारी कौन सी दुकान थी? शुक्ला मेडिकल बुक स्टोर। तो वो क्या अवैध? नहीं सर, मैं तो रेंट देता हूँ प्रॉपर, 6,000 रुपए महीने प्लस। तुम्हें कब पता लगा तोड़ी जाएगी? सर जी आधे घंटे पहले, और मैं हैंडीकैप आदमी हूँ, आधे घंटे में दुकान कैसे खाली कर सकता हूँ? ये देखिए इन्हें, ये किराए पर थे, ये कह रहे हैं कि आधे घंटे पहले इन्हें बताया गया, लेकिन जो भी सामान हो सकता था देखिए अपनी गाड़ी में ही रख करके ये पूरा सामान आगे की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए ये कुछ लोगों ने अपना सामान ऐसे बाहर रख दिया। ये देखिए ये जब किस तरीके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। नूह प्रशासन अब पूरी तरीके से एक्शन में है। नूह प्रशासन ने कई जगहों को आइडेंटिफाई किया है और उन सभी जगहों पर एक एक कर इसी तरीके से बुलडोजर चलेगा। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, नूह आज तक। और नू हिंसा से जुड़ी खबर आपको पहुंचा दें, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस पूरे मामले में फॉरेंसिक जांच शुरू हो चुकी है। जी हां, इस वक्त अपडेट ये है कि फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है घटना वाले स्थल पर जहां हिंसा आगजनी पत्थरबाजी हुई थी, तोड़फोड़ सब कुछ देखने को मिला था और मौके से उठाए जा रहे हैं सबूत। पूरे इलाके की जा रही है मैपिंग। 31 जुलाई को यहीं पर जलाई गई थी गाड़ियां और हुई थी पत्थरबाजी। अब फॉरेंसिक टीम पूरे इलाके का मुआयना कर रही है, सबूत साक्ष्य इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ बुलडोजर गरज रहे हैं, दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और डीसी को हटा दिया गया, इसके पहले एसपी को भी तबादला किया गया और पूरी तरह से आपको बताएं फुल एक्शन मोड में है अभी हरियाणा की सरकार। दो तस्वीरों को आपको हम दिखा रहे हैं जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर से प्रहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ 31 जुलाई, जिस दिन नूह जला, हरियाणा को जलाने की कोशिश हुई, वो वाली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, लेकिन ये नू में हिंसा वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, लेकिन इसके पहले बुलडोजर का एक्शन हमें जो देखने को मिल रहा है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगभग 40 जो दुकानें थी उनको ध्वस्त कर दिया गया। तो हिंसा का कनेक्शन जहां से भी सामने आ रहा है, अभी तमाम लोग फरार बताए जा रहे हैं, उनको भी अभी दबिश डाली जा रही है और उनको भी शिनाख्त करने की कोशिश है। सवाल यह है कि कब तक बचेंगे, कहां कहां किन किन इलाकों में बुलडोजर गरज रहे हैं ये जानते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं मैप के जरिए नू में कहां कहां बुलडोजर चल रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं कार्रवाई। बिसरू इलाका है, डुडोली पिंगवा इलाका है, ये बुलडोजर आप देख रहे हैं निशान के तौर पर आपको हम दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं यहां पर ये बुलडोजर इस वक्त गरजते हुए, क्योंकि जो अवैध निर्माण था शासन प्रशासन सरकार का दावा है तो उसको तोड़ा जा रहा है। सिंगार भी ये इलाका है और फिरोजपुर एक जगह है और यहां पर भी बुलडोजर आपका एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और नई गांव इलाका, यहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। एक साथ तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, और तमाम ऐसे लोग
और इसके पहले कल भी हमने देखा कि रोहिंग्याओं के इलाके में लगभग 250 झुग्गियों को तोड़ दिया गया जो कि अवैध था। वहां के खुद जो लोग थे उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सरकारी जमीन है, हम यहां पर आकर बसे थे। चलिए हिमांशु हमारे सहयोगी ने स्थिति का जायजा लिया है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं हिमांशु की, आप देखिए। इन्वेस्टिगेशन तो जारी है साथ साथ बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। इस वक्त हम लोग नलहर मंदिर रास्ते पे मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर गाड़ियों को जलाना शुरू किया गया था, यहां पर पत्थरबाजी हुई थी और अब उसी जगह पर आप देखिए ये पूरा इलाका देखिए, तकरीबन 40 दुकानें हैं यहां पर जिन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की कार्रवाई है ये, और ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से बनाई गई थी। और जिसके बाद ये देखिए 3 बुलडोजर यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप देखिए सामने, और किस तरीके से तोड़ा गया आप ये देखिए, सांकेतिक कोई नहीं तोड़ा गया, पूरी तरीके से सब कुछ यहाँ पर जो मौजूद था वो सब कुछ यहाँ पर तोड़ दिया गया और लोगों को बहुत कम वक्त मिला अपना सामान लेकर के यहाँ से जाने का। आप देखिए ये किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, देखिए ये सामने, ये आप देखिए दुकान यहाँ पर बंद है और यहाँ पर इसको अब तोड़ा जाएगा क्योंकि ये जमीन डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के हिसाब से इलीगल है। और यहाँ पर देखिए कार्रवाई, और देखिए कुछ लोग अपना सामान कैसे जल्दी जल्दी में अपना सामान लेकर के निकाल रहे हैं ताकि इनका सामान बर्बाद होने से बच जाए।